रिकॉर्ड विमृत दिखाने को तो नहीं पाया यह तो उसने अपनी पहचान मिटाने का खूब प्रयास किया। छोटू फोन था रजोला के बिना। कल जैसा कि आप जान रहे हैं कि 4 सक्रिय सदस्य गिरफ्तार हुए थे, जिसमें से 2 दश गैंग के सक्रिय सदस्य थे और 2 उनको सहायता पहुंचाने वाले, खाना पहुंचाने वाले लोग थे। एक रजोला चौधरी, जो कि 50,000 का इनामी अपराधी है, उसको कल शाम को एसटीएफ ने यहां पे गिरफ्तार किया। बांदा में बांदा पुलिस के साथ संयुक्त रूप से कार्रवाई हुई। बेसिकली ये वहाँ पर ऑपरेशन के दबाव से भाग करके इधर आया हुआ था और दबोच लिया गया, और एक बहुत ही उल्लेखनीय सफलता है, क्योंकि ये बहुत ही इसका नोटोरियस हिस्ट्री रही है। 12 से ज़्यादा मुकदमे इसके ऊपर दर्ज हैं और 2015-16 में ही अकेले इसके जो है 9 मुकदमे वहाँ पे मारकुंडी और जो संबंधित आसपास का थाना क्षेत्र है वहाँ का है। हत्या, लूट, डकैती, अपहरण सभी तरह के अपराधों में ये वांछित रहा है और आज तक पकड़ा नहीं गया था, ये पहली बार पकड़ा गया, इसलिए बहुत ही उल्लेखनीय कामयाबी। इनकाउंटर आज सर्च चल रहा है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है और जो अभी तक संकेत हैं कि गैंग ने अपना ठिकाना बदल दिया हुआ है, तो घने जंगल और बड़ी बड़ी घासों के नाते स्ट्रेटजिकली हम लोगों को बहुत ही साउंड तरीके से कार्रवाई करने की स्थिति है और करना पड़ेगा। और मध्य प्रदेश में चूँकि चुनाव है तो वहाँ से बहुत ज़्यादा फोर्स का मोबिलाइजेशन पास भी नहीं हो पा रहा है, तो जब भी हमारी तरफ से प्रेशर पड़ता है जनरली वो लोग उधर शिफ्ट करते हैं, तो इस वजह से ऑपरेशन में तत्काल इसको टेकअप पूरी तरह से न करते हुए स्ट्रेटजिकली हम लोग सर्जिकल स्ट्राइक टाइप का कार्रवाई करेंगे। इसकी गिरफ्तारी नवाब टैंक के पास की गई है और एसटीएफ की टीम और जो बांदा कोतवाली की पुलिस की टीम है उसने संयुक्त रूप से इसकी घेराबंदी करके इसको गिरफ्तार किया।